फास्टैग को ऑनलाइन रिचार्ज कैसे करें, साथ ही जानिए फास्टैग क्या है और यह कैसे काम करता है। यदि आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें एक जगह से दूसरी जगह आपको अपना माल भेजना पड़ता है, जिसके लिए कई बार टोल प्लाजा पर रुकना और चार्ज करना अपने आप में एक सरदर्द होता है, तो आज ये वीडियो हम ऐसे लोगों के लिए लेकर आए हैं जिनको फास्टैग के बारे में जानकारी नहीं है कि ये कैसे काम करता है और इससे आपके बिजनेस में कितना फायदा होगा आदि। तो ऐसे लोगों के लिए ये बेहद सही जवाब है कि किसी भी बिजनेस में समय बहुत महत्वपूर्ण पूंजी है, क्योंकि आपका समय कहीं पर भी किसी भी जगह बर्बाद हो इसमें आपके लिए घाटे की ही बात है। फास्टैग रिचार्ज एक ऐसी सुविधा है जिसने टोल प्लाजाओं पर दिए जाने वाले टैक्स को आसान बना दिया है। फास्टैग रिचार्ज से आपको टोल प्लाजा पर रुके बिना ही अपना टैक्स जमा करने की फैसिलिटी मिलती है। बस इसके लिए आपको अपने वाहन पर फास्टैग लगाना पड़ता है और उसे रिचार्ज करना पड़ता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि फास्टैग क्या है और फास्टैग रिचार्ज कैसे करते हैं। इसलिए ये वीडियो हम उन्हीं लोगों के लिए लेकर आए हैं जो फास्टैग के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फास्टैग क्या है, फास्टैग रिचार्ज कैसे करें, साथ ही हम आपको फास्टैग से संबंधित और भी जानकारी देने वाले हैं। तो फास्टैग के बारे में पूरी तरह से जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। फास्टैग क्या होता है? फास्टैग क्या है ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि टोल प्लाजा क्या है और यहाँ पर कौन सा टैक्स लिया जाता है। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग से अपने वाहन को ले जाने के लिए सरकार लोगों से टैक्स लेती है। इस टैक्स को वसूलने के लिए ही वो हर हाईवे पर टोल प्लाजा बनवाती है। टोल प्लाजा पर पहले लोगों से कैश के रूप में टैक्स लिया जाता है, लेकिन लोगों की लंबी लाइन और उनके समय की बर्बादी को देखते हुए सरकार ने फास्टैग की तकनीक अपनाई। ये एक ऐसी सुविधा है जिसमें लोगों को टोल प्लाजा पर टैक्स देने के लिए रुकना नहीं पड़ता। टोल प्लाजा से गुजरते ही आपका टैक्स ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कट जाता है। इस ऑनलाइन सुविधा के लिए पहले आपको रजिस्टर करना पड़ता है और अपने चार पहिया वाहन में फास्टैग लगाना पड़ता है। फिर आप कैश के बजाय ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और बिना टोल प्लाजा पर रुके अपना टैक्स चुका सकते हैं। फास्टैग कैसे काम करता है? फास्टैग के काम करने का तरीका बहुत ही बेहतरीन है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने वाहन की विंडस्क्रीन में फास्टैग लगाना पड़ता है, जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID लगा होता है। जब आपकी गाड़ी टोल प्लाजा के पास आ जाती है तो टोल प्लाजा पर लगा सेंसर आपके विंडस्क्रीन में लगे फास्टैग को पहचान लेता है और आपके फास्टैग अकाउंट से उस टोल प्लाजा पर लगने वाले टैक्स को काट लेता है। इस तरह से आप टोल प्लाजा पर बिना रुके ही अपना टैक्स भर देते हैं। ये एक प्रीपेड रिचार्ज की तरह काम करता है। फास्टैग अकाउंट में बैलेंस खत्म होने पर आपको इसे रिचार्ज कराना पड़ता है। फास्टैग की वैलिडिटी 5 साल की होती है, यानी 5 साल के बाद आपको फिर से अपने वाहन में फास्टैग लगवाना पड़ेगा। आज देश में फास्टैग रिचार्ज की सुविधा सभी अच्छे बैंक्स में मिलती है। इसके अलावा आप UPI जैसे वॉलेट का यूज करके भी अपना फास्टैग रिचार्ज कर सकते हैं। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि फास्टैग रिचार्ज कैसे करें। फास्टैग को रिचार्ज करना बेहद आसान है और इसे रिचार्ज करने का सबसे बढ़िया तरीका है फास्टैग ऐप, जिसके लिए आप बड़ी ही आसानी से किसी भी बैंक से इशू किए गए फास्टैग को रिचार्ज कर सकते हैं। ये फास्टैग IHMCL का एक ऑफिशियल ऐप है जो आपको प्ले स्टोर में मिलेगा। फास्टैग किस बैंक से इशू हुआ है इसका पता न होने पर भी आप आराम से इसके द्वारा अपना फास्टैग रिचार्ज कर सकते हैं। आइए आगे जानते हैं कि फास्टैग एप्लीकेशन से फास्टैग रिचार्ज करने का पूरा तरीका। फास्टैग ऐप से रिचार्ज कैसे करें? स्टेप 1, सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर से फास्टैग ऐप इंस्टॉल करें। स्टेप 2, अब आप ऐप को ओपन करें और उसमें रिचार्ज वाया UPI के ऑप्शन पर क्लिक करें। स्टेप 3, उस ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात आपको वहां पर बहुत सारे बैंक्स की लिस्ट शो होगी, आपको उसमें से अपने फास्टैग प्रोवाइडर बैंक को सिलेक्ट करना है। स्टेप 4, अब आपको अपनी गाड़ी का व्हीकल नंबर डालकर सबमिट करना है। स्टेप 5, इतना करने के बाद आपको UPI दिखाई देगा जो आपकी गाड़ी के नंबर और इशू करने वाले बैंक द्वारा बनाया गया UPI एड्रेस है। अब आपको वैलिडेट पर क्लिक करना है। यहाँ पर फास्टैग बैंक आपकी गाड़ी के नंबर को वेरीफाई करेगा। वेरीफाई होने के बाद ग्रीन टिक का निशान मिल जाएगा। स्टेप 6, अब आपको फास्टैग रिचार्ज अमाउंट डालना है। स्टेप 7, अमाउंट डालने के बाद पे नाउ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको UPI ऐप नजर आएंगे जिनमें से आपको अपनी मनपसंद का ऐप सिलेक्ट करके पेमेंट करना है। फास्टैग के फायदे। फास्टैग के बहुत अधिक फायदे हैं। इसके द्वारा आप ऑनलाइन अपने टोल का भुगतान कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी फास्टैग रिचार्ज से काफी लाभ होते हैं।
जैसे पहले जहां टैक्स भरने के लिए टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी, वहीं अब फास्टैग के कारण उन परेशानियों से लोगों को राहत मिल गई है। भीड़ की वजह से लोगों का समय खराब होता था और कैश देने की वजह से छुट्टे पैसों की समस्या होती थी, लेकिन फास्टैग ने लोगों की इन दिक्कतों को भी हल कर दिया है। फास्टैग तकनीक के कारण आपका टाइम तो बचता ही है, साथ ही साथ आपके पेट्रोल और डीजल की भी बचत होती है। फास्टैग में आपको SMS द्वारा कटे हुए बैलेंस की जानकारी मिलती है। जैसे आप अगर किसी टोल प्लाजा से गुजरते हैं तो वहाँ पर आपके टोल के पैसे कटेंगे, इसकी जानकारी आपको SMS द्वारा मिल जाएगी। इससे आपको पता चलेगा कि आपके किस समय कितने पैसे कटे हैं। फास्टैग रिचार्ज करने से आपको इसमें कैशबैक की भी सुविधा मिलती है। रिचार्ज करने के कुछ समय बाद आपके अकाउंट में कुछ पैसे आपको कैशबैक के रूप में वापस मिलते हैं, लेकिन टोल प्लाजा पर ऐसा नहीं होता। वहाँ पर आपको ऐसा कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलता है। फास्टैग होने का फायदा ये भी है कि आप इसे अपने घर बैठे रिचार्ज कर सकते हैं और टोल के लिए रेडी हो सकते हैं। अगर आप फास्टैग ऐप से रिचार्ज ना करके किसी और ऐप से रिचार्ज करना चाहते हैं तो आप कैसे अपना फास्टैग रिचार्ज करें, जानिए इस वीडियो में पूरी प्रक्रिया आगे। पेटीएम से फास्टैग रिचार्ज कैसे करें? सबसे पहले आपको पेटीएम मोबाइल ऐप में या फिर वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर सर्च करना है फास्टैग रिचार्ज। अब आपको फास्टैग रिचार्ज पेज पर उस बैंक को सिलेक्ट करना है जिससे आपने अपना फास्टैग इशू कराया है। अब आपको अपनी गाड़ी का व्हीकल नंबर डालना है। व्हीकल नंबर को आपको बिना स्पेस दिए डालना है। इतना करने के बाद आप अपने वॉलेट, पेटीएम पेमेंट बैंक या कार्ड द्वारा पेमेंट करके फास्टैग रिचार्ज कर सकते हैं, जिसके बाद आपका फास्टैग टोल प्लाजा के टैक्स भरने के लिए तैयार हो जाएगा। फोन पे से फास्टैग कैसे रिचार्ज करें? सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में फोन पे ऐप को ओपन करना है। अब आपको होम पेज पर रिचार्ज एंड पे ऑल बिल्स के ऑप्शन में जाकर सी ऑल के टैब को क्लिक करना है। अब आपको यहाँ फास्टैग रिचार्ज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना बैंक सिलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ पर अपनी गाड़ी का नंबर डालना है और कंफर्म के बटन पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपके सामने आपके फास्टैग अकाउंट की सारी जानकारी खुलकर आ जाएगी। अब आपको वो बैंक सिलेक्ट करना है जिससे आपको अपना फास्टैग रिचार्ज करना है। बैंक सिलेक्ट करने के बाद अब आपको पे बिल पर क्लिक करना है, फिर आप रिचार्ज अमाउंट डालें। आखिर में आपको पेमेंट करने के लिए अपना पिन नंबर डालना होगा। इतना करने के बाद आपका फास्टैग रिचार्ज कंप्लीट हो जाएगा। गूगल पे से फास्टैग रिचार्ज कैसे करें? गूगल पे से अपने फास्टैग को रिचार्ज करने के लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको अपना गूगल पे ऐप ओपन कर लेना है। अब आपको न्यू पर टैप करना है, फिर आपको सजेस्टेड बिजनेस में जाना है और मोर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर वहाँ आपको फास्टैग लिस्ट नहीं दिखती है तो आप फिर से मोर पर क्लिक करें। अब आपको फास्टैग और गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपको अपने फास्टैग बैंक को चुनना होगा। उसके बाद आपको अपनी गाड़ी का नंबर डालना है और फास्टैग ऐड हो जाएगा। इतना करने के पश्चात आप गूगल पे से अपने फास्टैग को रिचार्ज करके उसे टोल के लिए रेडी कर सकते हैं। ऐसे ही आपके काम की और जरूरी बातों के लिए और अपने बिजनेस को सही और व्यवस्थित चलाने के लिए ओके क्रेडिट से जुड़े रहें। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।